एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू की आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा जताया गया। घोषणा की गई कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का आप क्या कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं। पार्टी का ये बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने ये कहकर एक विवाद खड़ा कर दिया था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। आज की बैठक में नीतीश कुमार ने अपने करीबी और राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। झा ने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार क्या डे टू डे फंक्शन, जो पार्टी का फंक्शन है, उसमें उनकी भूमिका कम होगी क्या? क्यों कम होगी, वो तो सर्वमान्य नेता है हम लोगों की जी। बिहार सरकार भी चला रहे हैं और पार्टी के फंक्शनिंग को भी मॉनिटर करते हैं। अन्य स्टेट में जाना पड़ता है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, उनके भरोसे पार्टी चल रही है। कार्यकारिणी की बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें राजनीतिक प्रस्ताव भी शामिल है। राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी की तरफ से तीन बड़ी मांग की गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाए। वैसे पार्टी अब तक केवल विशेष राज्य के दर्जे की ही मांग करती आई थी, विशेष पैकेज की नहीं। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने संबंधी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, जिसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। पेपर लीक के मामलों की तह तक जांच करवाई जाए और कठोर कानून बनाया जाए। जो कास्ट सर्वे हमने किया है, जो समाज के सारे तबके के विकास के लिए आवश्यक है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, तो हम रिविजन फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी और 9th शेड्यूल में उसको डाला जाए। पेपर लीक के मामले में पार्लियामेंट एक कठोर कानून बनाए, यह हमारी अपेक्षा है। राजनीतिक प्रस्ताव में कुछ मुद्दों पर मोदी सरकार को चेताया भी गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी को विश्वास है कि मोदी सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर और प्रभावशाली कदम उठाएगी। नीतीश कुमार अपने समाजवादी पुरखों की विरासत आगे बढ़ाने में लगे हैं। इनके चाहने वाले समय आने पर मौन भाव से अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं। पार्टी का कहना है कि जो नीतीश कुमार को कमतर समझते हैं उनको सबक मिल जाता है। जो लोग हमको इनकार करते हैं, लव करें या हेट करें, इग्नोर कोई नहीं कर सकता है हमको। तो जब हमको इग्नोर इस इंडी गठबंधन की हमने शुरुआत किया, हम लगातार कहते रहे कि भाई ये काम करिए, तो उनको लगा कि नीतीश कुमार जी की कोई उपयोगिता नहीं है। तब एहसास हो गया ना, मौन रहते हैं, पता नहीं चलने देते, हम साइलेंट पॉलिटिकल इंजेक्शन देते हैं। पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को मजबूत बताते हुए कहा कि भाजपा के साथ समन्वय और साझेदारी 2 दशकों से है, जो एनडीए के रूप में स्वाभाविक गठबंधन का पर्याय बन चुका है। नीतीश कुमार के मन में क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल काम है, खासकर तब जबकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सका है। खैर, अभी के लिए तो हम जेडीयू के ही एक नेता की बात को दोहरा सकते हैं। नीतीश कुमार को आप लव कर सकते हैं, आप हेट कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।